माय नेम इज रिज़ान चीमा वेलकम बैक विद वीडियो दिस वीडियो इज़ अबाउट थ्री टॉपिक्स बेसिकली नंबर वन इज़ के व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ इंटरचेंज ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी ऑन मेन एम टू मोटरवे नंबर टू व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ एक्जेक्टिव ब्लॉक एंड करंट स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एक्जेक्ट टू दिस वीडियो इज बेसिकली एडजस्ट टू एक्जेटिव टू एंड थर्ड वट इज़ द लोकेशन एंड करंट स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट इन ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट टू तो सबसे पहले बात करते हैं जी इंटरचेंज की लोकेशन के हवाले से कि इंटरचेंज की जो लोकेशन है वो कहाँ बनेंगी और उस जगह पे बेसिकली क्या का काम हुआ है तो बिफोर गोइंग टू द डिटेल्स मैं पहले आपको पे एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो करंट स्पॉट है इंटरजेंट की लोकेशन का ये क्या है बल्कि आप थोड़ा सा वीडियो का जो इनिशियल पार्ट है थर्टी से फोर्टी सेकेंड का वो देख लें उससे आपको बेटर आइडिया मिल जाएगा कि किस पॉइंट की तरफ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये पॉइंट जो है इसमें रीसेंट डेज़ में मैं आपको गूगल अर्थ की रीसेंट इमेजेस भी दिखाऊंगा कि रीसेंट डेज में मंथ्स में या एयर्स में कह लें कि यहाँ पे क्या चेंजेस आई हैं इस पॉइंट पे जिसकी वीडियो है और आने वाले दिनों में मोस्ट प्रोबेबली मार्च ऑनवर्ड्स यहाँ पे एक इवेंट होगा साइट पे 11 डेज़ का तो उसके हवाले से यहाँ पे मार्च ऑनवर्ड्स यहाँ पे इंटरचेंज की कंस्ट्रक्शन पे काम स्टार्ट हो जाएगा नहीं तो इस जगह से एक प्रॉपरली लिंक रोड प्रोवाइड कर दिया जाएगा जो स्मार्ट सिटी में लोग मोटरवे से डायरेक्टली एंटर हो सकेंगे तो सबसे पहले देखते हैं मैप पे कि ये वाला जो पॉइंट है इंटरचेंज की लोकेशन का ये कहाँ लोकेट करता है और उसकी गूगल हम इमेज से कंपेयर करेंगे कि पास में इस एरिया में क्या था और अभी इसमें क्या चेंजेस आए हैं द रीसेंट डेज इस वक्त मैं सीन पे कैपिटल स्मार्ट सिटी का मास्टर प्लान देख सकते हैं मास्टर प्लान में जो आज की बेसिकली ये वीडियो है ये इस पॉइंट से है तकरीबन ये वाला पॉइंट है इसको अगर काउंट किया जाए तो बेसिकली ओवरसीज़ टू के बिल्कुल साथ बनता है अभी क्योंकि मैप लॉन्च नहीं है तो इसलिए मैंने कहा कि पार्शली ओवरसीज टू एंड एग्जेक्टिव टू क्योंकि सेकंड पार्ट में मैं आपको ये वाले पार्ट की एग्जैक्ट जो मोटरवे के साथ साथ पार्ट है जो यहाँ से एडजस्टेंट है इसकी वीडियो दिखाऊंगा फर्स्ट पार्ट में जो ये वाला पार्ट बनता है यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि इस पार्ट की अगर हम पास्ट में देखें कि यहाँ पे कितने चेंजेज़ आया है इस टाइम पे ये जो ब्रिज आपको नजर आ रहा है इस ब्रिज के साथ यहाँ पे लूप बनेगी होपफुली ये एक सेंट्रल पॉइंट बनता है लोकेशन का इसके बाद जो मोटरवे से ओवरऑल मास्टर प्लान है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ये वाला पार्ट थोड़ा रोटेट कर दिया जाएगा ये वाला पार्ट इसको मतलब मैप को यहाँ से इंटरचेंज को पूरे पार्ट्स में थोड़ा रोटेट करके यहाँ पे मूव कर दिया जाएगा और यहाँ पे ओवरसीज़ टू और एक्जेक्टिव टू के दो ब्लॉक्स आएंगे और जो ओवरसीज़ वन के रेजिडेंट्स हैं उनको यहाँ से रावलपंडी रिंग रोड के साथ ये वाला जो इंटरचेंज यहाँ पर बनना है मेरा शरीफ इंटरचेंज सॉरी ये जो इस इंटरचेंज का नाम है मूर्त इंटरचेंज ये जो ढोक प्राजा के साथ ये वाला मूर्त स्टॉप है यहाँ बनना है और इसके साथ ये वाला जो पार्ट होगा सारा ये थीम पार्क

को आने वाले वक्तों में मिले मिलेंगे। ये मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक है या वो इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन है है जो 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 मुझे फीड की जा रही एनी हाउ टू गेट द रिजल्ट्स के के सोशल मीडिया बने तो एक इमेज क्रिएट हो बहरहाल मेरी मुताबिक बातें हैं वो कुछ यूँ ही हैं क्योंकि साइड पर अगर जाके देखें तो यहाँ पे काम हो रहा है काफी ज्यादा जो कनेक्टिविटी के लिए जो मूर्त इंटरचेंज की साइड पर कनेक्टिविटी होगी इस साइड पर काफी काम हो रहा है और अभी जो आज की वीडियो है इस पार्ट में आप देख लेंगे इस पार्ट में ये वाला जो पार्ट एग्जैक्टली मैं आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ यहाँ पे अभी एक ऑलरेडी ब्रिज बना हुआ है जिस ब्रिज का नाम है मंदवाल ब्रिज ये मंदवाल साथ एक गांव है इस साइड पे कहीं तो इस ब्रिज को कनेक्टिविटी इस गांव से मिलती है तो इसके साथ ही यहाँ पे एक लूप बनाई जाएगी इस लूप के साथ जो बेसिकली आज की वीडियो का मकसद है वो इस लूप के साथ साथ एडजस्टन जो एरियाज़ हैं उनमें चेंजेस क्या आए हैं जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला पार्ट है इसमें क्या चेंजेस आए हैं इसके अलावा ये वाला पार्ट है इसमें क्या चेंजेस आए हैं और ये वाला पार्ट है इसमें क्या चेंजेस आए हैं इन द लास्ट रीसेंट मंथ्स और ईयर्स वट एवर द केस में भी क्योंकि मैंने ये पहले इस साइट को विजिट नहीं किया तो इस साइट की या सच मुझे कोई डिटेल्स पता नहीं थी तो अभी मैंने इस साइट को विजिट किया तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लेवलिंग का काम हुआ जो आगे वीडियो में जाकर देख लेंगे ये मैं 2018 से 2020 की तरफ मूव कर रहा हूं, जिससे आपको काफ़ी हद तक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि इस साइट पे कहाँ कहाँ पे लैंड लेवलिंग का या कटिंग का काम हुआ है उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी सबसे पहले देख लें जी लास्ट इमेज में देख लें कि ये वाला पार्ट था बिल्कुल ग्रीन था इस वाले पार्ट को बिल्कुल प्लेन कर दिया गया है जो बिल्कुल लूप के साथ बनता है अगर आप मोटरवे से ट्रैवल कर रहे हैं तो इस ब्रिज के साथ जब आप गुजरेंगे तो आपको यह पार्ट बिल्कुल क्लियर नजर आएगा नेक्स्ट इज़ अभी मैं नेक्स्ट कुछ इमेजेस करता हूँ जो मेन पार्ट है जो मुझे थोड़ा सा डिफी डिफरेंट लगा था मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ मोटरबाइक के साथ जो ये वाला पार्ट है इसमें चेंजेस आप देखिएगा जैसे मैंने एक इमेज आगे किया तो ये स्टार्ट में देख लें ये जो इमेजेस हैं सेप्टंबर ट्वेंटी नाइनटीन ऑनवर्ड्स हैं यानी यहाँ पर इस वक्त जो इमेज देख रहे हैं ये सेप्टंबर ट्वेंटी की है अभी आप देखते जाए आगे कि ये वाला साइड्स पर कैसे क्लियरेंस होती है और आगे जाकर वीडियो में ड्रोन की इमेज़ में मैं आपको ये वाला पार्ट सारा क्लियरली दिखा दूँगा कि यहाँ पे इस वक्त एग्जैक्टली क्या काम हुआ है और इसमें आपको जो ये नज़र आ रहा सारे ऑफिसेज़ ये एफ डी एच के ऑफिसिज हैं जो इस बिल्डिंग के ऊपर लिखा भी हुआ है और साइड पर ये ऑफिस मौजूद हैं तो यानी मोस्ट प्रोबली जो नाइन्टी नाइन परसेंट चांसेज हैं इंटरचेंज के वो ये वाले पॉइंट पर बनते हैं नेक्स्ट इस अगर आप इसी एरिया के एक्चुअल साइट फुटेज देखें ये एरिया वो है जो यहाँ पे एक सोसाइटी के ऑफिसेज़ बने हुए हैं और यहाँ पे इम्प्लॉयी भी इस वक्त रह रहे हैं और इसके अलावा ये जो बिल्डिंग्स हैं इन पे एफ के प्रॉपरली साइंस लगे हैं और ये वाला पार्ट सारा क्लियर है आप इस वक्त साइट विजिट करना चाहें तो जाके इंडिपेंडेंटली ये चीज़ साइट पर इट देख भी सकते हैं सबसे तो 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 पहले देखते हैं जी इस अभी इस एक्चुअल साइट पर अभी देखते हैं कि डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है अगेन बैक टू रियल टाइम फुटेज जो मैंने अभी आपको आ, मैप पे चीज़ें एक्सप्लेन की हैं जो एक ब्रिज बना हुआ है जिस ब्रिज का नाम है मंदवाल ब्रिज उससे जो एडजस्टेंट एरिया है ये उसकी रियल टाइम फुटज है ये फुटेज जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ये लास्ट वीक ऑफ जनवरी 2020 है क्योंकि मैं लास्ट ट्वेंटी uh, सॉरी uh, मैं लास्ट uh, कुछ डेज काफ़ी ज़्यादा बिजी था तो मैं साइट की इस तरह वीडियो बना के प्रॉपर्ली uh, वॉइस ओवर के साथ नहीं रिकॉर्ड uh, कर सका तो ये मैंने कुछ वीडियो पहले पोस्ट की थी इनफैक्ट लास्ट वीक की कुछ दिन पहले तीन चार दिन पहले तो अभी ये वीडियो अगर आप देख सकते हैं तो एक्जैक्टली वही पॉइंट है जो मैंने आपको मैपे एक्सप्लेन किया है जिसकी ब्रिज मंदवाल ब्रिज जिसके साथ ये एरिया, अगर पहले सेटेलाइट पर देखें तो बिल्कुल ग्रीन कलर का था यानी इसमें बिल्कुल काम नहीं हुआ था अभी यहां पर ब्राउनिंग का काम हो गया यानी कि इनिशियल जो वर्क होता है अर्थ वर्क उसका काम स्टार्ट हो गया है और आगे जाके इसमें जो चेंजेस आएंगे विद द बेस्ट ऑफ टाइम मैं आपको वो भी दिखाता रहूंगा इसी वीडियो में अगर सेकंड पार्ट में कुछ पार्ट शामिल करूंगा जो है एग्जीक्यूटिव टू की साइड जो मैंने मैं भी आपको स्टार्ट में एक्सप्लेन किया था इस साइट पे रीसेंट डेज़ में ही काम हुआ है क्योंकि पहले अगर आप जब मोटरवे से गुजरते थे तो यहाँ पे आपको कोई ऐसी चीज़ नजर नहीं आती थी अभी अगर मोटरवे से गुजरें तो आपको एफडीएच के जो रूम्स बने हुए हैं मोटरवे के साथ वो काफ़ी क्लियरली नजर आते हैं और यहाँ पे लैंड लेबिंग का काम भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है मोटरवे से कुछ पॉइंट जो आगे जाके जहाँ पर सेल रिवर का पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा विजिबिलिटी क्लियर हो जाती है क्योंकि वहाँ से बिल्कुल साथ एक थोड़ा डाउन स्ट्रीम है जो एरिया है वो थोड़ा सा लैंडस्केप थोड़ा डाउन है तो आपको लेफ्ट साइड पर काफ़ी ज़्यादा क्लियर इमेज मिल जाता है कि यहाँ पर इस वक्त डेवलपमेंट किस फेज में हो रही है बाकी बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि जी ओवरसीज़ सीज़ टू एंड एक्जेक्टिव टू की बैलेटिंग कब होगी ओवरसीज़ टू एंड एक्जेक्टिव टू की बैलेटिंग की कोई एग्जैक्ट डेट मुझे कन्फर्म नहीं है जब मुझे कन्फर्म होगी तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को लाजमी अपडेट करूँगा तरह मैं रूटीन में वीडियोज़ में स्मार्ट सिटी में होने वाली तमाम अपडेट्स से आपको जितने लोग देख रहे हैं जितने मेम्बर्स हैं स्मार्ट सिटी के मैं उनकी ट्राई करता हूँ कि तमाम चीज़ें काफ़ी डिटेल्स एक्सप्लेन कर सकूँ ताकि जिन इंडिविजुअल्स ने स्मार्ट सिटी में प्लाट बाय किया है वो दुनिया के किसी कोने में बैठे हों उन्हें स्मार्ट सिटी के हवाले से प्रॉपर रेगुलर रियल टाइम अपडेट्स मिलती रहें कि इस वक्त साइट पे क्या काम हो रहा है ताकि उनको अपनी इन्वेस्टमेंट का प्रॉपरली फीडबैक मिलता रहे अगेन बैक टू फुटेज जहाँ पे कुछ पार्ट में आपको कुछ बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं ये मैंने अभी मैप अगर आपको मैप में प्रीवियसली अगर आप थोड़ा पीछे कर लें वीडियो को बेशक तो इस मैप में साफ़ी डिटेल से ये चीज़ें एक्सप्लेन की हैं कि ये जो वीडियो ये जो बिल्डिंग्स बन रही हैं इनका पिछले तकरीबन एक साल के अंदर अंदर बनना और इन बिल्डिंग्स के बनने के बाद यहाँ पर प्रॉपरली उन ऑफिसिस का एक्टिव होना और एम्प्लॉयज़ का रहना इस बात की निशानदेही करता है कि स्मार्ट सिटी में ये प्रॉपरली सारी लैंड एक्वायर हो चुकी है सेकेंडली जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बात की थी कि यहाँ पर मार्च के एंडिंग वीक में एक स्प्रिंग फेस्टिवल कह लें एलन डेज़ का वो होगा जिसके लास्ट डेज जो पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा फेमस सिंगर्स हैं लाइक like आतिफ असलम एंड अदर सिंगर्स उनको बुलाया जाएगा कंसर्ट के लिए और बाकी जो इनिशियल टेन डेज ये टू वीकेंड्स का बेसिकली एक इवेंट होगा और इनिशियल टेन डेज़ में यहाँ पे फ्लावर शो होगा उसके अलावा यहाँ पे साइड पे काफ़ी ज़्यादा दूसरी एक्टिविटीज़ होंगी और उन एक्टिविटीज़ के लिए जिन जिन इंडिविजुअल ने स्मार्ट सिटी में आना है उनको मोस्ट प्रोबली मोटरवे के जरिए एक लिंक रोड प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिससे वो स्मार्ट सिटी में विजिट कर सकते हैं ये बात इस बात की निशानदेही करता है कि स्मार्ट सिटी के अंदर जिन लोगों ने प्लाट्स में इन्वेस्टमेंट की है जब वो साइट पे मोटरवे से उतर के अपनी साइट पर आ सकेंगे तो उनको काफ़ी हद तक क्लियर कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि यस स्मार्ट सिटी को मोटरवे पर इंटरचेंज अप्रूव है इंटरचेंज कंस्ट्रक्शन का काम का आगाज़ अभी नहीं हुआ उसकी रीज़न ये बताई जाती है कि अभी वहाँ पर साइट पर बहुत सारे मेबर्स अक्सर कमेंट भी करते हैं और काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल कमेंट्स रखते हैं क्योंकि मोस्ट पॉब्ली एन की पॉलिसी होगी ये मुझे कन्फर्म नहीं है बट एज़ पर माई नॉलेज मोस्ट रॉबली एन एच ए नेशनल हाईवे अथॉरिटी की पॉलिसी होगी कि सेवनटी टू सेवेंटी फ़ाइव परसेंट काम होना ज़रूरी है इंटरचेंज बनाने के लिए तो जब सेवेंटी से सेवेंटी फाइव परसेंट साइट पर काम होगा तो इंटरचेंज की एग्जैक्ट जो टाइम लाइन है वो आ जाएगी कि हाँ इंटरचेंज अभी स्टार्ट हो गया है अभी फॉर द टाइम भी अगर साइट सेवेंटी से सेवेंटी फाइव परसेंट डेवलपमेंट्स मुराद जो बेसिक रॉ लैंड का वर्क है जिसे कटिंग और फिलिंग वाला काम कहते हैं इनिशियल काम जब हो जाएगा उसके बाद फिर सेकेंड डीज पर पे जब काम स्टार्ट होगा इंटरचेंज पर तो स्मार्ट सिटी में जिन जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट हुई है उनके तो इन्वेस्टमेंट पे काफी मेगा जंप आएगा जिसकी एग्जांपल अब इस्लामाबाद में जिस जिस सोसाइटी को किसी मेन पब्लिक रोड से एक्सेस मिलती है उस सोसाइटी के रेट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस सोसाइटी में रेट्स कितने ज्यादा बूम करते हैं जिसकी एग्जाम्पल है टीएच है गुलबर्ग है जुडिशियल कॉलोनी है और बहुत सारी सोसाइटीज हैं कि जिनको पब्लिक रोड जैसे इस्लाबाद एक्सप्रेस है वहां से एक्सेस मिली तो वहां पर रेट्स ने कैसे जंप लिया इमेजिन कि इसी जगह पर जब मोटरवे से इंटरचेंज मिलेगा तो इस एरिया में जो रेट्स होंगे प्रॉफिट्स होंगे जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उनके प्रॉफिट्स पे कितने मैसिव जंप आने के चांसेस हैं ये जो भी साइड पे दोबारा फुटेज देख रहे हैं ये वही पॉइंट है जो आ, मैंने पहले आपको मैप पे एक्सप्लेन किया था और उसके रियल टाइम फुटेज है कि जो अभी मंदवाल ब्रिज के साथ ये जो ब्रिज है ये जो लूप बनती है इसके साथ अभी साइट पर जो लैंड के क्लियरेंस का काम हुआ है वो यानी लैंड का जो प्रॉपरली अर्थवर्क होता है इनिशियल जो आपको ताज़ ताज़ा ताज़ा नजर भी आ रहा है इसके बाद यहाँ पे क्या स्टेटस है डेवलपमेंट का अभी मोस्ट प्रोबेबली आप कह लें कि मार्च के एंड तक यहाँ पे मजीद क्लियरेंस होगी लैंड की यानी कि कटिंग फिलिंग वाला जो काम है जो वर्सिज टू में भी बनता है जो कुछ पार्ट अभी वीडियो का आपने रिसेंटली देखा है वो वर्सिस टू का पार्ट था और कुछ पार्ट एग्जिक्टिव टू का भी बनता है मोस्ट प्रॉब्बली कि इस मार्च में जब लोग विजिट करेंगे तो इस पार्ट को काफ़ी ज़्यादा क्लियर कर लिया जाएगा आई एम नॉट सो सर्टन बट आई एम काइंडली नाइन्टी फाइव परसेंट परसेंट इन कॉन्फिडेंस कि यहाँ पे काम होगा तो उससे कैपिटल स्मार्टिटी में जिन मेंबर्स ने इन्वेस्टमेंट की हुई है उनको अपनी इन्वेस्टमेंट पे काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा अभी नेक्स्ट पार्ट में कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा वो होंगी एग्जीक्यूटिव टू की साइड के हवाले से जिसकी मैंने एक वीडियो ओनली वीडियो पोस्ट की थी जिसे मैंने वॉइस ऑफर नहीं दिया था उस हवाले से अभी आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में को दिखाता हूँ कि वहाँ पर इस वक्त एग्जीक्यूटिव टू वाली साइड पर जहाँ पर लैंड काफ़ी ज़्यादा लेवलिंग हुई है उसके अलावा जो पहले यहाँ पर न्यू टेक यूनिवर्सिटी का बोर्ड भी लगा हुआ था अभी खैर वो उसको आ, कुछ बारिशों की वजह से सीजन खराब होने की वजह से बोर्ड वो जो शीट थी ऊपर वो फट गई है अभी इसको उतार दिया गया लेकिन पहले यहाँ पर न्यू टेक यूनिवर्सिटी का प्रॉपरली एक बोर्ड था जिससे क्लियरली एक आइडिया मिलता है इंडिकेशन मिलती है कि ये कैपिटल स्मार्ट सिटी में दो यूनिवर्सिटी के साथ एग्रीमेंट साइन हो चुका है एक है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद इन दोनों का कैंपस कैपिटल स्मार्ट सिटी में बनेगा अभी जो स्क्रीन पे आप टाइम लैप्स देख रहे हैं ये एक्जेक्टिव टू वाली साइड पे है और एक्जेक्टिव टू वाली साइड जो मोटरवे से बिल्कुल एडजस्टेंड है उसमें आप देख सकते हैं कि जो इनिशियल अर्थ वर्क है उसका स्टेटस क्या है अगर आप साइड पर सेल्फ तो विजिट करें तो ये वाला पार्ट तो आपको बड़ा क्लियरली नजर आता है और उसके साथ जो रूम बना आपको नजर आ रहा है जिस पर एफ लिखा हुआ है ये इस बात की निशानदेही करता है कि यहाँ पर जो लैंड का स्टेटस है वो हंड्रेड क्लियर है बहुत सारे लोग सवाल करते हैं लैंड के हवाले से कि लैंड एक्वायर्ड है या नहीं है 2016 में जो कैपिटल स्मार्ट सिटी स्टार्ट भी नहीं हुआ था तो यहाँ पे लैंड एक्वायरमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया गया था इनिशियली पहले लैंड एक्वायर करने के बाद किसी भी सोसाइटी को जो एनओसी मिलता है उसकी लैंड एक्वायरमेंट के बाद मिलता है जब आप एनओसी के लिए अप्लाई करते हैं तो बेसिक रूल्स ये कहते हैं कि पहले आपने उस लैंड के एक्विजिशन के डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं एक्विजिशन के डॉक्यूमेंट्स के बाद लैंड एक्वायर करने के बाद आप उस चीज़ का लेआउट प्लान एल डिज़ाइन करते हैं जो कैपिटल स्मार्ट सिटी का एल है वो डिज़ाइन किया सिंगापुर बेस्ड कंपनी जिसका नाम है सुरबाना जलोंग जिस कंपनी ने सिंगापुर डिजाइन किया है उसके बाद आप एल ओ पी लेआउट प्लान प्लस लैंड एक्विजिशन के डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हैं तो आपको रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट अथॉरिटी की तरफ से एन ओ सी इशू हो जाता है जो कैपिटल स्मार्ट सिटी का एन ओ सी टू थाउजेंड एटीन से इशूड है और उसमें अभी रिविजन के लिए यानी कि न्यू, न्यू लैंड ऐड करने के बाद उसमें रिविजन के लिए भी जमा करवाया हुआ है तो ये बात इस बात का प्रूफ है कि यहाँ पर सोसाइटी के पास जो साइट है जो इनिशियली लॉन्च ब्लॉक हैं स्मार्ट सिटी में एक्चुअली जो चीज़ें लॉन्च की गई हैं वो तकरीबन अप्रो ट्वेंटी फाइव परसेंट बनती हैं सेवेंटी फाइव परसेंट चीज़ें अभी रिमेनिंग है बाकी चीज़ों में भी लॉन्च होना है लेकिन जो चीज़ें लॉन्च की गई हैं उनसे ज़्यादा लैंड जो तकरीबन पूरे प्रोजेक्ट ही लैंड है वो ऑलरेडी सोसाइटी के पास एक्वायर्ड है लेफ्ट साइड पे आपको जो नजर आ रही है ग्रीनफील्ड जी एस का एक्जैक्टिव टू की मोटरवे के ऑपोजिट वाली साइड पे है और राइट right साइड पे जो है आपको जहाँ पे बोर्ड्स लगे नजर आ रहे हैं ये एक्जैक्टिव टू वाली साइड बनती है जहाँ पे कुछ पार्ट में ग्रीन पार्ट आपको नज़र आ रहा होगा ये लैंड एक्वायर्ड है लेकिन यहाँ पे कुछ डिवेलपमेंट का, का काम जो है वो भी पेस में जिस पेस में जारी है क्योंकि एरिया काफ़ी ज़्यादा है तो उसको डिवेलप करने के लिए भी एक टाइम भी रिक्वायर्ड होता है तो अभी यहाँ पर साइड पर काफ़ी ज़्यादा मैसिफ स्पीड uh, से काम जारी है ये वीडियो जुम्मे वाले दिन रिकॉर्ड की गई थी तो ये जुमे के बाद की टाइमिंग है इसलिए आपको मशीनरी काम करती नज़र नहीं आ रही लेकिन यहाँ पर साइड पर आ गया आपको काफ़ी ज़्यादा मैसिव मशीनरी नज़र आती है बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी में एक्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट टू और उसी डिस्ट्रिक्ट टू की लैंडस्केप कैसी है तो लैंडस्केप एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट टू की आपके सामने है मोस्ट प्रॉब्ली एक्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट टू होगा ये अभी मैप लॉन्च नहीं है तो मैं कुछ कह नहीं सकता कन्फर्म बट मोस्ट प्रॉब्ली ये एक्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट टू होगा तो इसकी लैंडस्केप आपके सामने के इसकी लैंडस्केप बिल्कुल प्लेन नहीं है यहाँ पे कुछ पार्ट काफ़ी ज़्यादा एलिवेटेड है और कुछ पार्ट डिप्रेशन में है जो एलिवेटेड पार्ट है वहाँ पर कटाई वाला काम होगा यानी वहाँ पे पहले ब्लास्टिंग से या प्रॉपरली उससे जिस तरह कटिंग करके वहाँ पे प्रॉपर मिट्टी को काटा जाएगा और उसको लेबाइल किया जाएगा यहाँ उसको कुछ लैंडस्केप को थो थोड़ी सी एलिवेशन दी जाएगी एक हाइट दी जाएगी और बाकी जो नीचे वाला पार्ट होगा जहां पे कॉम्पैक्ट सॉरी uh, जहां पे खड्ढे होंगे डिप्रेशन होगी उस पार्ट में उस मिट्टी को डाल के उसको स्ट्रेट फॉरली काफ़ी ज्यादा कॉम्पैक्ट किया जाएगा उस पर मशीनरी चलाई जाएगी अनटिल द टाइम जब तक यहाँ पे उस प्लॉट का सॉइल टेस्ट क्लियर नहीं आता यानी कि उस पर जब कंस्ट्रक्शन होगी रेजिडेंशियल प्लाट और कंस्ट्रक्शन प्लॉट की और कमर्शल प्लॉट की वो सॉइल टेस्ट क्लियर नहीं होंगे तो वो प्लाट जो होगा वो वायबल नहीं है किसी भी मेम्बर के लिए क्योंकि सोसाइटी जब पोजेसन देगी तो उसके लिए जो फिक्स रूल होता है वो था सॉइल टेस्ट का तो जब तक सॉइल टेस्ट अप्रूव नहीं होता तो वहाँ पे आपको पोजेसन की इजाजत नहीं मिलती बदले में उस को अल्टरनेटिव प्लॉट देती है तो जो भी प्लॉट डेवलप होने के बाद जहां पर डिप्रेशन ऐसी ज्यादा हो कि वहां पर कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है तो उस जगह को सोसाइटी स्ट्रीट्स के लिए या पार्कस के लिए वैसे यूज करेगी जिसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल जो है अगर आप ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट वन में विजिट करें ब्लॉक ए के लेफ्ट साइड पर और गोल्फ कोर्स की राइट right साइड पे वो जो पॉइंट बनता है जो एक इंटरसेक्शन पॉइंट है जहाँ पे आर वन रोड और एक्सेस टू रोड जो जकरी रोड से आ रहे हैं उनका मैच होता है तो वो जगह काफ़ी डिप्रेशन की थी तो उसको वन एटी फीट रोड के एक बड़े चौक में कन्वर्ट कर दिया गया है यानी कि वहाँ पर कोई रेजिडेंशियल प्लाट नहीं है वहाँ पर क्योंकि डिप्रेशन काफ़ी ज़्यादा थी तो इसलिए उसको ऐसे यूज़ किया गया है तो ये एक्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट टू की लैंडस्केप के आपके सामने है आप इट्स देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त स्टेटस क्या है लैंड का वहाँ पर कितने पार्ट पे कटिंग हुई है कितने पार्ट फिलिंग हुई है और आगे कितने पार्ट पे मजीद का काम हो रहा है ये जो एरिया जितना एक्जैक्टिव टू का है इसकी डेवलपमेंट की बात थोड़ा टाइम लग रहा है, है। तैयार होगा तो एलिवेटेड प्लॉट होंगे एलिवेटेड प्लॉट्स होंगे और जो नीचे वाले प्लॉट्स होंगे उनकी प्लॉट्स नहीं बन पाएंगे मतलब रेजिडेंशियल प्लाट्स को ऐसी जगह रखा ही नहीं जाएगा, जाएगा, जाएगा उनकी पे उनकी लोकेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो या उनकी लैंड पे कंस्ट्रक्शन के वक्त कोई भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़े किसी किस्म का भी तो ये ओवरऑल लैंड का स्टेटस हवाले से बहुत सारे लोग बात करते हैं कैसी कटिंग वाला आपको नजर आ रहा है जितना ब्राउनिंग वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है अगर आप मैं इनफैक्ट सेटेलाइट इमेजेस यहाँ से यूज देता हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि ये वाला पार्ट पहले कैसे था और आज के डेट में ये वाला पार्ट कैसे है ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि पहले यहाँ पर डेवलपमेंट कहाँ थी और आज यहाँ पर डेवलपमेंट कहाँ स्टैंड करती है अगेन बैक टू मास्टर प्लान ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी स्क्रीन आप जो प्लान देख सकते हैं ये एक्जैक्टिव वन ब्लॉक है जिसकी बैलेटिंग हो चुकी है जिसके तमाम ब्लॉक्स को इंडिविजुअली प्लॉट नंबर स्ट्रीट नंबर ब्लॉक नंबर अलॉट हो गया है और ये जो एक्जक्टिव टू वाली साइड है यहाँ पर बैलेटिंग नहीं हुई जिसका मोस्ट प्रोबली आने वाले छः महीने या साल में डिवेलपमेंट बैलटिंग हो जाएगी और बैलटिंग के बाद लोगों को इंडिविजुअली एक्जक्ट प्लाट नंबर पता चल जाएगा उनका प्लाट कहाँ पे लोकेट करता है एग्जैक्टिव ब्लॉक में इस वो तो जो स्क्रीन पे फोटेज देख रहे हैं या जो इमेज़ देख रहे हैं ये सितंबर uh, 2018 की इमेजेस हैं सैटेलाइट इमेजेस ये घर बैठ के आप खुद गूगल और सेटेलाइट पे टैली कर सकते हैं कि यहाँ पे रीसेंट डेज में या रीसेंट मंथ्स में या रीसेंट ईयर्स में क्या चेंजेज़ आए हैं एग्जैक्टिव टू वाली साइड पर एग्जैक्टिवि टू लेटेस्ट स्टेज पर डिवेप लॉन्च किया गया था एग्जैक्टिव वन पहले लॉन्च किया गया था तो एग्जैक्टिव वन में अभी सिर्फ एक्जेक्टिव ब्लॉक बी रेडी हुआ है बाकी ब्लॉक्स पर मैंने रिसेंटली विजिट जब किया था तो वहाँ पर कटिंग और फिलिंग बेसिक उसी पे काम हो रहा है हालांकि ओवरसीज वन ब्लॉक में जो लेट लेटेस्ट लॉन्च किया गया था पे दो ब्लॉक्स का पोजेशन हो गया है और दो ब्लॉक्स का आने वाले इसी महीने हफ्तों हफ्तों में में अनाउंस कर दिया जाएगा तो जिन जिन लोगों के वहाँ प्लाट्स हैं उनको इजाज़त मिल गई है कि वो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं ये जो सारा पार्ट है ये सिल रिवर के साथ साथ है सिल रिवर जो चहान डैम से स्टार्ट होता है और आगे मोटरवे के नीचे से गुजरता हुआ आगे तक लीड करता है तो ये उसी के साथ साथ एग्जेक्टिव टू वाला एरिया सारी प्रेमिस बनती हैं अभी अगर आप इसकी इमेजेस में अंदाजा लगाएं कि रिसेंट डेज में यहाँ पे क्या चेंजेस आए हैं जैसे ये वाला एरिया है ये बिल्कुल पहले प्लेन नहीं था मैं लास्ट इमेज दोबारा कर देता हूँ ये दोबारा इमेज इस एरिया को काफ़ी ज़्यादा प्लेन किया गया है नेक्स्ट इस जैसे आप आगे इमेज करता जाऊँ तो आपको आइडिया मिलता जाएगा कि एक्जैक्टिव ब्लॉक में कहाँ कहाँ जैसे ये वाला एरिया बिल्कुल प्लेन नहीं था अभी इस पर काम किया गया है, ये वाला एरिया है जो इसकी मैंने स्टार्ट से वीडियो दिखाई है आपको वो ये वाला पार्ट था जिसको अभी क्योंकि गूगल इमेजेस अभी अपडेट नहीं हुई क्योंकि ये काम बिल्कुल रीसेंट डेज का है तो यहाँ पे भी अगर आप गूगल इमेजेस जब अपडेट होंगी तो इन शह ये वाली पार्ट भी अपडेट हो जाएगा जिसकी सारा ब्राउनिंग का काम मुकम्मल हो चुका है और यहाँ पर इस वक्त डेवलपमेंट जो बेसिक वर्क है उसका काम मुकम्मल किया जा चुका है वेल व्यूर्स यदि आज की वीडियो इस वीडियो में जो तीन मेन टॉपिक्स हैं जिसमें मेन इंटरचेंज का टॉपिक है ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट टू है और एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक टू है मैंने मैप की मदद से रियल टाइम फुटेज की मदद से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि यहाँ पे इस वक्त डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है ताकि जिन मेम्बर्स ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई है कैपिटल स्मार्ट सिटी में ओवरसीज़ डिस्ट्रिक्ट टू एंड एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक टू में उनको उनके इन्वेस्टमेंट पे प्रॉपर एक फीडबैक मिल सके कि हाँ उनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ स्टैंड करती है अगर आपको वीडियो में मज़दीद किसी ब्लॉक के हवाले से डिटेल जाना चाहते हैं तो या स्मार्ट सिटी के हवाले से ओवरऑल बुकिंग के हवाले से कुछ मालूम चाहिए हो तो आप मेरा नंबर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप व्हाट्सअप कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़